इस न्यूज के प्रायोजक हैं डॉक्टर के प्लस, रेट में कम क्वालिटी में दम। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं। सिंह ने कहा कि तकनीकी युग में विकसित देश ईवीएम पर भरोसा नहीं करते हैं। प्रदेश में विधानसभा की 28 सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग शुरू होने के बाद पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर ईवीएम मशीनों पर सवाल खड़े किए हैं। दिग्विजय ने कहा कि भारत और कुछ अन्य छोटे देश ही ईवीएम मशीन का उपयोग करते हैं, जबकि विकसित देशों में इसका इस्तेमाल नहीं होता है। ईवीएम के मामले में आज से नहीं कह रहा हूँ, 2003 से इस मामले में कह रहा हूँ कि मुझे इस पर भरोसा नहीं है, कोई नई बात नहीं है। ऐसा है, कानून बनाने का अधिकार विधानसभा का है और इस मामले में विधानसभा खुद तय करेगा क्या करना क्या नहीं करना। आज देश के लोकतंत्र में खतरा है नोट तंत्र का, बाकी सारी चीजें गौण है। प्रदेश में कई नेता समय समय पर ईवीएम को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। अब देखना होगा बीजेपी इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, वंदे भारत न्यूज।